क्या हुआ एनी? आप थोड़ी सी परेशान लग रही हैं। नहीं, बहुत सालों बाद किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरा नाम अनीशा भी है। Really? लेकिन कौन? Forget about it. चलो, let's have coffee. Oh, sure. पंखुड़ी, पायल, मिला क्या वरुण? अंदर की तरफ ही गया था ना? हाँ, गया तो अंदर ही था, पर अभी कहाँ है? चलो देखते। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई मेरी बात समझना तो दूर, सुनना तक नहीं चाहता। And please understand, यानी मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। मगर क्यों? तुम किसी और को पसंद करते हो क्या? No, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I swear मैं किसी और को पसंद नहीं करता। And why would I lie to you? पर आप तो जानती है ना सब कुछ। It's just that, as of now, I don't want to get married. You know, थोड़ा सा रुक कर शादी करना चाहता हूँ, that's it. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब किससे बात करूँ, किससे कहूँ। इसलिए बहाने बनाकर कि मैं बिजनेस के लिए चेन्नई जा रहा हूँ एंड ऑल दैट, मैं यहाँ पर आपके पास आ गया। एंड यू नो why? बिकॉज कॉलेज में आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं थी, यू वर माई गाइड, माई मेंटर, एवरीथिंग। यू आर द ओनली वन हियर। एंड यू नो मॉम की डेथ के बाद मैंने हमेशा आपको ही सब कुछ समझा है, आपको ही उनकी जगह पर देखा है। I know. और ये भी सच है कि अगर तुम ये शादी जबरदस्ती कर रहे हो तो तुम्हें किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। Exactly, I know. और मैं आपकी इस बात से completely agree भी करता हूँ, पर भैया को कौन समझाए, वो तो किसी भी कीमत पर मेरी शादी करवाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, just relax. Take a coffee. चलो take a walk. कहाँ चला गया वरुण? मुझे तो लग रहा है पंखुड़ी वो कहीं जा चुका है, वो यहाँ है ही नहीं। और उसने हमसे झूठ क्यों बुलाया पायल? और वो फोन पे किससे बात कर रहा था उस टोन में? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टोन वाली यार, आदि का कॉल है। हेलो पंखुड़ी, मुझे पता है तो क्या कर रही है? क्या अब आपको पता है? तू यार मरी ना, जेम्स वॉटरसन को ढूंढ रही है ना? हाँ हाँ, हम तो चल चल अब ढूंढना बंद कर, क्योंकि जो जेम्स वॉटरसन वहां पर है ना, वो गलत जेम्स वॉटरसन है। और वैसे मैं तुझे बहुत मिस भी कर रहा हूँ यार, जल्दी से आ जा फिलिप आइलैंड, मैं और रुबल यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा पायल दोनों का। ठीक है, हम अभी आते हैं। हम अभी आते हैं मतलब वरुण? पायल, अब कल वरुण से फेस टू फेस मिलके ही बात करनी होगी। कल हम उसे ग्रेट ओशन रोड बुलाते हैं और उस टाइम हम रूबल भैया और आदि को कहीं बाहर भेज कर उससे मिल लेंगे। अगर अभी हम नहीं गए तो कहीं आदि यहाँ ना आ जाए। एंड जब तक हम खुद श्योर नहीं होते, हम वरुण के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ओके चल चल। मोहन, देखना कौन है। Come in. भाभी? ये ले मिठाई तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो आश्रम वाले लोग वहां की दुखियारी औरतों को बहुत सताते हैं, मारा पीटी भी करते हैं। आयु श्योर भाभी? अरे श्योर क्या, सवा श्योर हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब मैंने उन सबको रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो फिर कुछ भी बहाना बनाने लगे। लेकिन मैं भी धौलपुर की शीला हूँ, आज तक मेरी नजर से कुछ भी छुपा है क्या? मिठाई किस लिए? वो तुम्हारे घर आ रही थी ना, खाली हाथ कैसे आती? पिछली बार तो तुमने आने के लिए भी नहीं पूछा। So sorry, आप बैठिए, sit. मैं बैठूंगी, लेकिन जिस दिन तुम मुझे मेरे बिना कहे बैठने के लिए कहोगी, उस दिन खुशी से बैठूंगी। कब आएंगे यार? ओह, फाइनली जी आ गए दोनों।
आइए आइए। वैसे आप दोनों ना हमें थैंक यू बोल सकते हैं, हमने आप लोगों को गलत जेम्स वॉटसन के पास जाने से बचा दिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें डर डर की ठोकरें खानी पड़ती। बिजनेस तो एक बहाना था, जब भी मेरे दिमाग में कोई डाउट आता है यू आर दी ओनली वन जिसका ख्याल मेरे दिल में आता है। वैसे अगर तुम दोनों चाहो तो अभी चैलेंज से बैकआउट कर सकती हो। दोनों चुप है इसका मतलब ऑलरेडी हार मान चुके हैं, नहीं? Yes. कोई नहीं, हमने पहले डिसाइड कर लिया कि जो भी हारेगा उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी। और पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट ये होगी कि जो भी हारेगा ना उसे कायरा की शादी पर सारा काम करना पड़ेगा, और जो जीत गया वो शहजादे की तरह शादी में एंजॉय करेगा। आदि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकते, हर चीज मजाक नहीं होती है। ये कायरा की शादी आपको कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है। सॉरी अगर मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत पड़े ना। जितनी फिक्र तुझे कायरा की शादी और नानी की है ना, अनीशा नानी की, उतनी ही फिक्र ना हम दोनों को भी। अभी कहाँ जा रहे हैं? प्लीज आदि और पंखुड़ी को अकेला छोड़ दो। ये वरुण की शादी का कार्ड है, कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं मिला। मेरा मतलब है कि आजकल मार्केट में डिजाइनर कार्ड्स अवेलेबल है ना, तो मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये कार्ड प्रिंटिंग के लिए भी जाने वाला है। तो फिर मुझसे मेरी पसंद पूछने का क्या मतलब है? क्या है ना, पूछना पड़ता है। After all, you're my dear boy। हालांकि ये बात अलग है कि तुम्हारे सजेशन जो तुम्हारी जो ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल यूजलेस रहती है। सुनो, वरुण से बात हुई? हाँ, वो ठीक है। मैंने कहा कि वरुण से बात हुई या नहीं हुई। अगर हो तो उसे कहना कि कल मैं दीवान मेंशन जा रहा हूँ, उसकी शादी की तारीख फिक्स करने। सो यू बेटर कम बैक ऑन टाइम, ओके?
माय गॉड पंखुड़ी वो देख क्या ओह माय गॉड लुक एट दैट पेंगुइन कितने क्यूट है सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया यार तू ना सिचुएशन मेरी नजरिए से देखना मेलबर्न आए हैं हनीमून मनाने और तू ना पूरा मेलबर्न अकेले ही घूम रही है मेरे बगैर यू नो मैं चाहता हूं कि जिंदगी का हर खूबसूरत लम्हा उस जैसा तेरे बगैर नहीं तेरे साथ देखूं बस सॉरी आदि शुरुआत मैंने की है तो खत्म भी मैं ही करूंगी आई एम सॉरी आश्रम के रूमर्स जो थे वो तो सच निकले वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी खराब है जो अकेली औरतें हैं जिनके लिए आश्रम ही सिर्फ एक सहारा है उनके साथ ऐसा बिहेवियर आई डोंट नो अरीश आई कांट फिगर आउट एनीथिंग देखो वंदिका अब तक तुम्हें सिर्फ विक्रम पे डाउट ही था लेकिन विक्रम का एक्सीडेंट और ये आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर्स का सच यू हैव टू बी केयरफुल नाउ जो भी डिसीजन लोगी वो तुम्हें सोच समझ कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ न्याय की बात नहीं है तो ये खारा की जिंदगी का सवाल है एक गलत डिसीजन एंड ये बात विक्रम के मन में हमेशा के लिए चुप के रह जाएगी सो गर्ल्स सरप्राइज कैसा लगा कल से तुम दोनों थोड़ी एक्चुअली परेशान लग रही थी ना तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करे जिसे तुम्हारा मूड थोड़ा लाइटन अप हो जाए तो फिर ये कर लिया कैसा लगा मेरा प्लान हा? ओ ये प्लान तेरा अकेले का नहीं था ओके वैसे ये ग्रेट ओशन रोड पे आने का प्लान तो मेरा ही था और ये कार का प्लान किसका था ओके 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 मेरे भाई दोनों का आइडिया था ओके अच्छा अच्छा जिसका भी आइडिया था बहुत अच्छा था या वी आर लविंग इट पर बताओगे कि हम जा कहां रहे हैं 12 अपोस्टल्स वहां पर ना एक और सरप्राइज है तुम लोगों के लिए वैसे ग्रेट ओशन रोड ड्राइव सुना था आज एक्सपीरियंस भी किया इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव आदि आए इससे पहले मैं वारुण को फोन कर लेती हूँ जी भाभी हेलो वरुण एक्चुअली तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी आदि और रूबल भैया को हम लोग कुछ सरप्राइज देना चाहते थे बट हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पता नहीं है तो अगर तुम हमारी हेल्प कर दो तो मैं हाँ बस आधा घंटा लगेगा ठीक है ओके थैंक यू आ रहा है ओए गर्ल्स फोन पे बात करती रहोगी या हम दोनों के साथ उड़ने का इरादा भी है आदि तुम सब जाओ ना मुझे डर लगता है मुझे हाइट से डर लगता है प्लीज मैं नहीं जाऊंगी अरे डोंट वरी पायल तुम चलो कुछ नहीं होगा नहीं मुझे डर लगता है ना मैं यहीं पे वेट करती हूँ ना तुम लोग जाओ प्लीज अरे पायल इज वेरी सेफ यार कुछ नहीं होगा डोंट वरी आदि प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना प्लीज ओके ओके आदि तुम और पंखुड़ी चले जाओ मैं पायल के साथ यहीं रुकती हूँ
अरे बट वाई आर यू नॉट गोइंग? अरे वहाँ मैं अकेले जाके क्या करूंगा यार? अगर तुम दोनों नहीं आओगे ना तो फिर मैं और पंखुड़ी भी नहीं जाएंगे। अरे हाँ, हम चारों यहीं रुक जाते हैं, सब बीच पे चलेंगे, ओके? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम क्यों वेट कर रहे हो? हे गाइस, हम लोग यहाँ सुबह सुबह ना सैक्रिफाइस खेलने नहीं आए, एंजॉय करने आए, तुम लोग जाओ, हैव फन। ओ ना, अरे जा जा। कौन? यू श्योर? देखो ना, कितना एक्साइटेड है, गो। आई विल मिस यू गाइस यार। बाय गाइस, हैव फन। दिया होता ना वो एक्चुअली अनुज भी अभी अभी निकले घर से, वैसे मैंने फोन कर दिया उन्हें, आते ही होंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी अब तो ये अपने ही घर है। इनफैक्ट हम लोग पास से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जा कर। वैसे कल मैं भी आपके घर के यहाँ से गुजरी, आपके घर के पास वो जो आश्रम है ना, वहाँ गई थी। वो सावित्री देवी मेमोरियल? हाँ। अच्छा, आई एम एक्चुअली प्रीटी इंप्रेस्ड। आप लोग मॉडर्न भी हैं, आप लोग अपनी रूट से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आप डोनेशन देने गई होंगी शायद? नहीं, डोनेशन तो एक बहाना था। वो एक्चुअली क्या है ना, अवंतिका को आश्रम वालों के बारे में कोई जानकारी चाहिए थी। अब हमारे पूरे घर में मुझसे ज़्यादा तेज और समझदार और कोई दूसरा है ही नहीं ना, तो इसलिए अवंतिका को मेरी मदद लेनी पड़ी। वैसे क्रेडिट लेने की आदत तो है नहीं मुझे, लेकिन अब जो है सो है। सही कहा आपने, जो है सो है। आई एम श्योर आप जिस काम को करने गई थी उसे बखूबी पूरा करके आई। और नहीं तो क्या, लेकिन कल आश्रम वालों की सच्चाई देखकर ना मैं खुद हैरान हो गई। मतलब? मैडम, उस लेडी के मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, हमें उसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। वो लेडी हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी। वो तो मैं थी, वरना मेरी जगह अगर कोई जासूस को हायर किया होता ना तो पैसे तो चले ही जाते और आश्रम वालों की सच्चाई भी सामने नहीं आती, पता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही, आपसे बेहतर और आपसे इंटेलिजेंट और कौन हो सकता था इस काम के लिए। वैसे अवंतिका कुमार भी कम नहीं है, सच जानने के पीछे पड़ गई है। अवंतिका जी, बिना वजह बातों को आगे बढ़ाती जा रही है।
I'll have to be very careful क्योंकि ये फैसला किसी भी कीमत पे मेरे हक में होना चाहिए। वैसे रास्ते से आजकल लोगों का गायब हो जाना इज प्रीटी कॉमन। आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल आप उनको भाई वेरी केयरफुल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।